सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आपको हम दिखाएंगे तुंगनाथ चोपता। और हम चाहते हैं हम तुंगनाथ जाएं, बट साईं मंदिर में जाना अलाउड नहीं है। पर अब हम बाहर बाहर से आपको दिखाएंगे मंदिर के सामने इधर और चोपता साइड जितना भी व्यू होगा हम आपको दिखाएंगे। तो चलें चलते हैं आपको चोपता तुंगनाथ की वादियों में, जिसे बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। बहुत ही सुंदर है और आप देख सकते हैं अभी हम कालीमठ से निकल चुके हैं। हमें कालीमठ ही बहुत लेट हो गया था, 10 बजे हम यहाँ से निकले हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हुए ये है भैरवनाथ का मंदिर जो कालीमठ से पहले शुरू में आपको दिखेगा। और हम पहुँच गए हैं कुंड जहाँ पे आपको डैम दिखेगा, छोटा सा डैम है। और कुंड से होके जाएंगे हम उखीमठ। अभी पहुँच के हम उखीमठ, सब लोग यहाँ पे केदारनाथ जाने के लिए पास बनवाने के लिए आए थे, पर किसी का भी नहीं बन पा रहा था क्योंकि अभी अलाउड नहीं है। और हमारे साथी भी सब लोग वही पास बनवाना चाहते थे पर नहीं हुआ। पर हम उनको ले आए चोपता तुंगनाथ और वहाँ देख के वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि यहाँ इस बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं, बहुत ही लोग यहाँ पे शूटिंग के लिए आते हैं। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बर्फबारी होती है पर अभी इतना ही है यहाँ पे। बहुत ही ठंडा यहाँ का पानी है, ऐसा लगता है जैसे फ्रिज से निकाला हो। हम पहुँच गए हैं चोपता में और यह है मेन गेट चोपता मार्केट से। यहाँ पे सारी दुकानें बंद थी। इस आदि को पता नहीं ये कुत्ते क्यों इतना प्यार करते हैं, जहाँ देखो आदि के पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं। और हमको दिखा एक छोटा सा चूहा, आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है छोटा सा चूहा। अभी हम जा रहे हैं पैदल और यहाँ से ऊपर जाना है हमको और बहुत लेट भी हो गए हैं और पता नहीं किस टाइम तक हम वापस पहुँचेंगे। तो मौसम भी, बहुत सारे लोग वापस भी आ गए हैं, मंदिर में जाना अलाउड नहीं है बट बाहर से भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और मेरे साथ के हैं जो वो बैठ गए हैं नीचे और लगता है थक गए हैं, बैठे हुए हैं नीचे ए दिस हाइट यहाँ पे। अभी हम पहुंच गए हैं चोपता से थोड़ी दूर जहां से अच्छा व्यू दिखता है, अब देख सकते हैं। अब कर रही हूं मैं वीडियो चालू। अभी हमको जाना है 2 किलोमीटर ऊपर और अभी खड़ी चढ़ाई है और अभी बाकी लोग नीचे आ रहे हैं। ये हल्के हल्के बादल छा रहे हैं, मौसम चेंज होने वाला है और पहाड़ में तो कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी धूप रहती है तो कभी बारिश शुरू हो जाती है, पता ही नहीं लगता है। और पता नहीं हम कब पहुंचेंगे ऊपर, हमारे साथ के कोई ये चलने में थोड़ा बाहर के लोग हैं तो चल नहीं पा रहे हैं उतना, और हमको तो आदत है हम चल लेते हैं।
तो ये लोग रुक रुक के आ रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते और देखो आप बादल छा गए हैं और देखो कैसे बादल चल रहे हैं। बारिश आना शुरू हो सकती है शायद। हमारे चारों तरफ बादल लग गए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं पीछे बादल कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बादल के बीच में आ गए हम। देखो चारों तरफ बादल ही बादल और कुछ लोग पहुंच गए आगे और कुछ का तो अभी पता ही नहीं है कहाँ पहुंचे हैं। तो हम भी चलते हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अभी हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये सामने आप देख सकते हैं आधा किलोमीटर की दूरी पे है और अभी बादल लग रहे हैं, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे आपको वीडियो दिखाएंगे। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप बहुत सारी बकरियां, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बादल लग गए हैं, आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सारी बकरियां और एक बकरी मेरे को घूर रही है, पता नहीं मारेगी। मैं आगे जाना चाहती हूँ पर वो मुझे बहुत घूर रही है, तो मैं ट्राई करूंगी और रिस्क पे जाऊंगी। शायद वो उनकी हेड है और मुझे उसको देख के डर भी लग रहा है। बट अब देख सकते हैं पीछे हेलो चाय मिलेगी। और ये है यहाँ का बणदेव वन देवता का मंदिर। और अभी आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और नीचे तो ऐसा लग रहा था कि मौसम अभी बादल छा रखे थे, ऐसा लग रहा था अभी बारिश आने वाली है और हम कैसे मंदिर तक पहुँचेंगे। पर आगे आगे पहुँच के तो पूरा मौसम साफ हो गया और धूप भी निकल आई है और हमको साफ साफ यहाँ का नज़ारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के समीप और ये लोग भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही खुश हो रहे हैं कि हमें भोलेनाथ के दर्शन कर होंगे। पर यहाँ पे मंदिर बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे थे, मंदिर में मंदिर बंद था, सारी दुकानें बंद थी और भक्तों की तो बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। सारे रास्ते लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे और ये मुझे छोड़ के भाग गए हैं। मैं 2-3 साल पहले यहाँ आई थी तो तब रास्ता यहाँ से था और अभी आई हूँ तो बिल्कुल चेंज हो रखा था रास्ता, नया रास्ता दूसरी साइड से बन रखा था। और ऊपर मंदिर पे क्या क्या चेंजिंग हुआ है ये मेरे को देखने को नहीं मिला क्योंकि वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। और अभी बन गया है रास्ता यहाँ से, ये यहाँ से मंदिर का रास्ता है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है और यहाँ से आगे रास्ता जाता है चंद्रशिला। तो मंदिर से ऊपर 2 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला है,
तो सब लोग चंद्रशिला ही घूमने जा रहे थे और ये लोग मंदिर के सामने खड़े हो रखे हैं और सोच रहे हैं दर्शन करने देंगे पर नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं नीचे खाई ही खाई है, बहुत ही डर लग रहा था और बहुत सारे लोग चंद्रशिला से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सामने रास्ता है, अभी कोहरा लग गया है। यहाँ तो सुबह के टाइम आना चाहिए, सुबह के टाइम बहुत ही साफ मौसम रहता है और शाम को कोहरा कोहरा छा जाता है तो साफ दिखाई नहीं देता है। और अभी ये सब वापस जाने लग गए हैं और हम भी वापस चल रहे हैं। मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से, बस इतना ही हम देख पाए मंदिर को। और अभी ये लोग बहुत ही सफाई पे लगे हुए हैं और हमको घर जाना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो बहुत देर हो गई थी हमको। तो अभी ये लोग यहाँ पे मंदिर में सफाई करने लगे, पूरे 1-2 घंटे इन लोगों ने यहाँ पे सफाई की। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और मंदिर में इधर उधर कूड़ा फेंक के खाना पीना खा के फेंक देते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सफाई करके जाते हैं। तो मुझे इन्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई, जब ये हमारे देश के भी नहीं हैं फिर भी यहाँ के बारे में इतना सोचते हैं, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने इन देवभूमि के बारे में जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। तो इन लोगों ने बहुत देर तक यहाँ पर सफाई की और पूरा साफ किया, कूड़ा कट कर पूरा उठा के। तो इस वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी, मन तो नहीं था यहाँ से आने का पर मजबूरन सबको जाना पड़ रहा था। वो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि हमें यहीं रुकना चाहिए पर हमको तो घर पहुँचना था। इधर के लिए गया था ना, यहाँ पे मिला हमको मोनाल और वो भाग गई है, हमें उसको कैमरे में कैद नहीं कर पाए। तो मैं चाहती थी आपको दिखाऊं, मैं उसको मिल गया, भाग गया, उड़ के चले गया। हाँ सामने पे नीचे चले गया उड़ के, आराम से वापिस लेने। यहाँ नीचे के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी हम वापस आ गए हैं और आप देख सकते हैं मंदिर ये सामने ऊपर। और अभी मौसम बहुत ही सुंदर हो गया, धूप भी लग गई है और हम जा रहे हैं वापस। और मंदिर के हमने बाहर से भोलेनाथ के दर्शन किए और आगे आपको बताएंगे।